नमस्कार। आज बात एक ऐसी खबर की जिसे सुना आप भी कहेंगे, क्या वाकई रूस और अमेरिका दोस्त हो गए हैं? लेकिन ये दोस्ती क्यों सवालों और शंकाओं के घेरे में है, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल अमेरिका और रूस भले ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई मौकों पर वो ऐसी दोस्ती निभाते हैं कि आप भी जानकर चौंक जाएंगे। धरती पर एक दूसरे से कट्टर दुश्मनी निभा रहे रूस और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष में गजब की दोस्ती देखने को मिली है। अंतरिक्ष में संयुक्त मिशन पर रूस और अमेरिका के वैज्ञानिक साथ साथ गए थे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS से दो रूसी और एक अमेरिकी नागरिक को लेकर सोयूज कैप्सूल सोमवार को कजाकिस्तान में उतरा। इसके साथ ही रूस के दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का लंबा प्रवास समाप्त हो गया। यह खबर वाकई रूसी और अमेरिकी वैज्ञानिकों में गजब की दोस्ती का मुजाहिरा पेश करती है। बता दें कि ISS से अलग होने के लगभग 3.5 घंटे बाद कैप्सूल कजाकिस्तान के मैदान में उतरा। ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चूब अंतरिक्ष स्टेशन पर 374 दिन बिताने के बाद वापस लौटे हैं, जो वहां का सबसे लंबा निरंतर प्रवास था। इस कैप्सूल में अमेरिकी ट्रेसी डायसन भी थी, जो 6 महीने तक अंतरिक्ष स्टेशन में रही। कोनोनेंको और चू 15 सितंबर 2023 को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए और शुक्रवार को ISS पर सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया। डायसन बाहरी अंतरिक्ष में अपने तीसरे मिशन में 6 महीने अंतरिक्ष में रही हैं। आप ये भी जान लीजिए कि अभी तक अंतरिक्ष में और कितने व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पर अब 8 अंतरिक्ष यात्री बचे हैं, जिनमें अमेरिकी नागरिक बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स भी शामिल हैं। विल्मोर और विलियम्स को पहले ही धरती पर लौटना था, लेकिन कुछ तकनीकी व्यवधान के चलते उनकी वापसी में समय लग रहा है। वे जून में बोइंग के नए स्टारलाइनर कैप्सूल के पहले चालक दल के रूप में पहुंचे, लेकिन उनकी वापसी की यात्रा थ्रस्टर की समस्याओं और हीलियम लीक के कारण बाधित हो गई। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा था कि उन्हें स्टारलाइनर के यान से वापस लाना बहुत जोखिम भरा होगा और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के अगले साल SpaceX के यान से धरती पर लौटने की संभावना है। तो देख लिया आपने रूस और अमेरिका की ये स्पेस वाली दोस्ती। लेकिन इन तमाम बातों के बीच ये बात गौर करने वाली है कि रूस और अमेरिका पारंपरिक दुश्मन या कहें प्रतिस्पर्धी रहे हैं। ऐसे में अंतरिक्ष की यह दोस्ती कब तक चलेगी कहना मुश्किल होगा। वैसे भी अमेरिका की पहचान मौका परस्त वाली रही है, तो फिर इस स्पेस वाली दोस्ती का भविष्य भी अनिश्चित ही है। आपको कुछ इतिहास भी याद दिला देते हैं। दरअसल अविभाजित रूस यानी सोवियत संघ के दौर में USSR और अमेरिका अंतरिक्ष से जुड़े प्रोजेक्ट में बड़े प्रतिस्पर्धी रहे हैं, या कहें कि बड़े दुश्मन एक दूसरे के रहे हैं। दोनों में एक दूसरे से आगे निकलने की लगातार होड़ रही कि कौन अंतरिक्ष में सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे, और जो आज तक लगातार जारी है दोनों की प्रतिस्पर्धा। तो फिर वाकई ये दोस्ती कितनी लंबी चलेगी? रूस और अमेरिका की जो USSR यानी सोवियत संघ के दौर से चली आ रही है, क्या वो वाकई जो दुश्मनी थी प्रतिस्पर्धा थी? कम से कम स्पेस के मामले में, अंतरिक्ष के मामले में ये दुश्मनी खत्म होगी क्या? सवाल है।